लेकिन लग रहा था कि भारत का कोई गृह मंत्री है, हमको ना तो नेता लग रहे थे ना गृह मंत्री लग रहे थे। हमने क्या कहा था कि वो जब आएंगे तो बेकार की बात करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की, बात क्या किया? तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है और आप यहाँ बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पूनिया में संबोधन था और कल का दिन अमित शाह किशनगंज में गुजारेंगे। ऐसे में अमित शाह के इस दौरे को 2024 के लोकसभा चुनावी सभाओं के आगाज के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा इस दौरे के साथ सीमांचल के 4 लोकसभा सीटों पर अपना जनाधार कायम करने की जुगत में लगी हुई है। वहीं अमित शाह के इस दौरे पर सत्ता दल के नेता जमकर निशाना साध रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरे को तेजस्वी यादव ने कॉमेडी शो बता दिया। बिहार में बदले सियासी समीकरण और नई सरकार के गठन के बाद जदयू और राजद अमित शाह के इस दौरे पर जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। ऐसे में अमित शाह के इस दौरे को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कॉमेडी शो बताया। क्या हुआ 15 लाख देने का, क्या हुआ बिहार को? कल तो हम ट्वीट किए थे, वीडियो डाले थे कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का 2014 का पूर्णिया का, उन्होंने क्या बोला कि बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे और तीसरा क्या बोला, स्पेशल अटेंशन देंगे। इस पे कोई चर्चा नहीं की गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे कि नहीं देंगे, रोजगार पे नहीं बात की, महंगाई पे नहीं बात की, बात क्या किया? हम तो पहले ही कह रहे थे ना आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है, और वो आप ही के विभाग का आंकड़ा निकाल लीजिए NCRB का, दिल्ली में क्राइम बिहार से अधिक है। आप जहां बैठते हो, आप जहां सोते हो, वो प्रदेश जो है, यूटी जो है, देश की राजधानी जो है, वो सुरक्षित नहीं है और आप यहां बिहार आकर के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। और क्या कह रहे थे कि हम बिहार को नंबर 1 राज्य बना देंगे। अरे भाई 8 साल, कितना साल से भाजपा यहां सरकार में था भाई, बिहार में डबल इंजन कहां क्यों नहीं बनाया? डबल इंजन था तो क्यों नहीं बनाया बिहार को नंबर 1 का राज्य? हर जगह जो भेदभाव किया जा रहा है, शिक्षा विभाग में पैसा नहीं दिया जा रहा है, ग्रामीण सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा बिहार में, सारा आंकड़ा हम लोग लेकर के बैठे हैं। इन लोगों के पास कुछ नहीं बोलना है, वही क्या भाषा कैसे बोल रहे थे, हम तो हंसी आ रही थी उनके भाषण को देख करके कि भाई सच में कॉमेडी शो चल रहा था। अमित शाह को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि वह आएंगे, झूठ का माहौल बनाएंगे और कहेंगे कि बिहार में जंगल राज है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह आएंगे तो बेकार की बात करेंगे। मैंने कल ही कह दिया था और अपने वीडियो में भी डाला, प्रधानमंत्री ने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन 8 साल बीत गए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मैंने पहले ही कहा था वह आएंगे, झूठ का माहौल बनाएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। कौन डर गया? कोई किसी कोई किसी से मतलब कौन डर, वो डराने आए थे? राष्ट्र का गृह मंत्री है, लेकिन लग रहा था कि भारत का कोई गृह मंत्री है, हमको ना तो नेता लग रहे थे ना गृह मंत्री लग रहे थे। अब हम नहीं बताना चाहते कि क्या लगे।